सारे मसाले और नींबू, ये हमारा सीजन का पहला नींबू है। मैं देखेंगे रेखा की शादी कौन सी दिशा में होती है। बहुत भारी भरकम होते हुए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुमाऊनी सोनी कॉर्नर में, और आप सभी को मेरा प्यार भला पहलाक और प्रणाम, और मेरे छोटों को बहुत सारा मेरा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। तो कैसे हैं सब लोग, उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अब मैं इसलिए नीचे देख रही हूँ क्योंकि यहाँ देखो कैसे पहने, ऐसे नींद आ रहा है मेरे को। तो यहाँ पे चल रहा है ये सारा काम। तो आज हो गया है 10 बज गया और कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज हमने दोनों सास बहू ने सुबह सुबह उठ के किचन की सफाई कर ली है। तो जी हाँ, अब मेरी हो रही है आज मायके जाने की तैयारी। कल मैं जाने वाली हूँ अपने मायके फिर से, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि दिवाली में आने के लिए बोला है, क्योंकि इस बार हमारी दिवाली नहीं है ना यहाँ पे। तो पिछली बार भी मैं दिवाली में यहीं थी, तो मैंने बोला था कि पहली बार हम अपने घर पे हैं तो यहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो इस बार हमारी दादी की डेथ की वजह से हमारी दिवाली नहीं होती है, तो मैं जा रही हूँ मायके कल। तो आज थोड़ा बहुत मैं कल सामान खरीद के ले आई थी, क्योंकि हल्द्वानी में थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। तो मैं जैसे कि दिए ले आई थी और मम्मी ने मंगाए थे कुछ फ्रूट्स, तो बाकी तो मुझे कुछ मिले नहीं। तो मैं एप्पल ले आई थी 2-4 किलो, क्योंकि बागेश्वर में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है सामान। तो अब बाकी बस कुछ नहीं ले जा रही हूँ मैं, तो अभी रखने वाली हूँ मैं, बैग पैकिंग करने वाली हूँ। उसके बाद आज मैं लाइट में नहाऊंगी, तो बस यही चल रहा है। और कल फिर से मायके जाने वाली हूँ, फिर से कल से आपको फिर से देखने को मिलेंगे हमारे मायके गांव के ब्लॉग्स। तो कोशिश करूँगी डेली डालूँ, वहाँ पे ब्लॉग्स डेली बनते हैं बट नेट इशू की वजह से डेली ब्लॉग जा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े वपड़े रख रखे हैं, अभी इनको बैग वैग में डालूँगी। अब गर्म कपड़ों की जरूरत है क्योंकि अब तो ठंड का मौसम आ चुका है। सो अभी दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। ये देख सकते हैं आज हो रही है काफ़ी ज़्यादा धूप और हवा भी चल रही है, लेकिन ठंडा भी हो रहा है। तो सुबह से ही आज ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही और धूप भी है साथ ही साथ। और ये देखो, ये वाला प्लांट्स मुझे इतना पसंद है ना, ये मुझे मतलब जैसे कभी वीडियोज़ के लिए बैकग्राउंड में भी बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ में देखा है, तो मैं इसको ना बाद में अपने रूम में भी लगाऊंगी, एक अच्छा सा पॉट लगा के उसमें, मतलब फ्लावर पॉट। और ये देखो एक ही है, कितना सुंदर लग रहा है। तो आज मैंने पौधों में पानी भी नहीं डाल रखा अभी तक, अभी डालती हूँ। ऊपर वाले पौधों में मैं ही डालती हूँ पानी, या फिर कभी भाभी डालती हैं। वो ये देखो इसको, इधर ला, पैसे चोर, पैसे चोर। कल टीटी नहीं जाना इनसे, कल टीटी नहीं जाना इनसे। ये देखो इसके टॉय, यही लगा रहता है इसका। तो गाइस पहले रखती हूँ कपड़े, इस बार तो ज़्यादा ले जाने पड़ेंगे गर्म कपड़े। अपने तो मैं नहीं लेके जा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि घर पे ऑलरेडी मेरे पास कपड़े हैं। और कि जितना ज़्यादा ले जाओ ना उतना ज़्यादा बैग भर जाता है, फिर वहाँ से भी लेके आती हूँ मैं सामान वगैरह। तो अभी रखते हैं सामान। और कल मेरे साथ हुआ था मेरी गाड़ी का, मैं कल पेट्रोल डलवा के लाई और मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का जो ऑयल वाला पाइप होता है वो कट गया और सारा तेल बर्बाद हो गया जब हम बुद्ध बाज़ार गए थे। तो कल हम गए थे बुद्ध बाज़ार, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था बस वो टेंशन की वजह से, मतलब ऑयल की टेंशन की वजह से मैं वहाँ का व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो चलिए पहले अपना बेड के अंदर से बैग निकालते हैं, फिर अपना सामान वामान ठूसते हैं, और फिर उसके बाद नहाई नहाई धोई धोई करते हैं। इसको भी नहलाऊंगी, मैं भी नहाऊंगी, और उसके बाद फिर हम आज आगे का कारोबार बताते हैं आपको। तो फाइनली आधी अधूरी पैकिंग हो चुकी है और नहाना धोना भी हो गया है। मैंने आज बाल नहीं धोए हैं क्योंकि आज है थर्सडे, तो थर्सडे को बाल नहीं धोते हैं। अब कल भी नहीं धो पाऊँगी क्योंकि कल सुबह तो जाना ही है, अब परसों वहाँ जाके धोऊंगी। वैसे भी कल सफ़र में भी गंदे से जाएंगे ना, लेकिन मेरे बाल ना आजकल बहुत अजीब से हो चुके हैं, एकदम झाड़ू जैसे। अब मैं इनको क्या कराऊँ, कोई सजेशन दो। कलर वलर करवा के मैंने अपने बालों का सत्यानाश कर दिए हैं, और पिछली बार ऐसी कटिंग कराई क्या बताऊँ मैं, जो कि अभी थोड़े, मैं कंघी भी तो नहीं करती हूँ ना। तो कल स्कूटी से गई थी तो बाल खोल के देखो, दिख रहे दिख रहे दिख रहे, तो ये है मेरे बाल। तो आज हम करने वाले हैं, आज हम खाने वाले हैं सीजन का पहला नींबू। हम लोग नींबू सानने वाले हैं आज, तो कल हम लोग बुद्ध बाज़ार से नींबू लेके आए थे। तो मैं और मम्मी और रेखा नींबू खाने वाले हैं, भाभी तो है नहीं यहाँ पे। तो हाँ चलो नीचे चलो नींबू खाएंगे। वो कोई बेचने वाला आ गया, वो कुछ, चलो नीचे कोई बेचने वाला आ गया, चलो
चल आ जा, मैं जा रही हूँ नीचे। आ रही है, आ जल्दी आ। नहीं चालू है, मेरे को कह रही है पीपी जाओ। हाँ बुआ बुआ जा रही, कहा तो रोने लग गई। नींबू सान दिया, नींबू साना जा रहा है नींबू। एक मैं टी शर्ट अभी मम्मी से इसको थोड़ा छोटा कर मांगती हूँ। हमारी नींबू वो सेंट्रल फाइनली। ये पानी वानी क्यों रखा है? गुड़ पता नहीं है मम्मी है? ये मैं गुड़ कितो सारे दाने तो इसी में डाल दिए तुमने। कितने आ जा रहे थे राधा, तू दाने दाने उठा। भाभी भी आ गई। जब भाभी आ गई देख क्या, तो भाभी आ गई, आ गई नींबू खाने के लिए भाभी। इसमें है भांग का नमक, दही, गुड़, सारे मसाले और नींबू। ये हमारा सीजन का पहला नींबू है। बधाइयाँ। अब हम इसमें देखेंगे रेखा की शादी कौन सी दिशा में होती है। तुम देखते थे कभी बचपन में? हाँ। पहले पिछुक हो ऐसे करते थे खेती में नहीं हुए। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं। कुछ लगा है क्या? ना मेरी नाक ही ऐसी है। अभी हम जा रहे हैं स्वेटर के बटन लेने डी के लिए। कल की स्वेटर वाली पहन के जाएगी और इनको मम्मी ने इतनी ज़्यादा बना दी है कल के दिन में, कल और आज क्योंकि पूरे दिन भर पकड़ती भी है। ये किसी की स्वेटर बना रही मम्मी, कलर अच्छा लगाना है ग्रीन ग्रीन। और ये देखो अभी खरबूजा, हाय करो। अभी खरबूजा भी आ रहा है हमारे साथ। क्या खाएगा? चॉकलेट। अच्छा ठीक है, अभी ये भी आ रही है। बुआ चलो बोलो, आटा लाना है 10 किलो सर्व रख के। हाँ चल भी आटा आता है रे। महावीर खाएंग दिए दादी ने। वो तो अभी मैंने थोड़ा छोटा जो कर दिया है। मस्त हो रहा, चल चल देखो। मार्केट से आ रही हूँ, कहा मैं तेल भरा के आई, तू इसी में रहती है क्या? मैंने कहा ना, कह रही ग्रीस वाले गली में। मेरे को कौन है ग्रीस पता नहीं, कह रही जिसकी नई दुकान है। मैंने कहा रेंट पे रहने वाले है क्या? कहा तो कह रही नहीं नहीं उसका अपना घर है। तो हम लोग जा रहे हैं, राधा हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? इवनिंग वॉक पे। बिना मुंह धोए ही लोशन लगा दिया, इतनी अच्छी नींद आई थी मुझे। आगे रोते हुए अपनी दादी के साथ सोई सोई। लोगों का भी टाइम हो गया घूमने का। ये ना इवनिंग वॉक नहीं करती, ज्यादा हाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको देखो हाय, लोगों की छोटे लोगों की वो लग गई चम 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 लगी चम चम। लोगों के घरों में दिवाली की तैयारियां होने लग गई है। इस बार हम लोग की दिवाली नहीं, तो हम लोगों के घर पे नहीं लगेगी। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं डीके नानी के घर। कहाँ जा रहे हैं? नानी हाउस। वो मेरी आलसी लड़की को गोदी में आने के लिए, और अभी बुआ का हाथ पकड़ के आ रही, मेरे पे ही लगे कांटे मतलब है ना। तो गाइस यहाँ पे मैं 10 किलो आटा ले जाते हुए बहुत भारी भरकम होते हुए, ये देखो, और मुँह में भी लग गया पाउडर मेरा थोड़ा थोड़ा। ये दोनों तो आराम से पीछे आ रहे हैं, देखो जब तक ये दोनों आते हैं तब तक मैं यहाँ आराम कर लेती हूँ। ना ये देखो दोनों को, और सब लोग वॉकिंग पे जाते हुए। ये लोग ठंडा ठंडा कूल कूल इन दोनों को, और मैं आई हूँ। तो मैं तो आ गई हूँ घर, वो दोनों आराम से घूम के आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो लेके आई आटे का कट्टा। मम्मी का काम चालू अपना, देखो स्वेटर बिनने का। मम्मी का हाथ इतनी स्पीड में चलता है ना, अच्छा खासा लोगों की मशीन नहीं चलती है, और सबकी मतलब
है बटन लग गई। अरे लो देखो नहीं, मिनट मम्मी को बटन दिखाने तो भूल गई मैं, ये देख तो लो तारे जाए नहीं। सेम कलर से सेम छु हो कैसे तो छु अब एकदम उस छु यार मम्मी ऑरेंज ऑरेंज सब साइज सही छु ना। अभी देखो लोगों की लाइट जल गई है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे लड़ी लग चुकी है, दिवाली की तैयारियाँ हो चुकी है लोगों की। अभी तक तो हमारी मम्मी ऑपरेटर भी लगा देती नहीं तो ये। और मौसम देखो आज का जल्दी जल्दी में। और ये देखो बादल छाए हुए हैं, बादल नहीं छा रखे, अंधेरा अंधेरा सो रखा मौसम। वो वहाँ भी लग गई लड़ियाँ देखो, वो देखो वो वाले घर में ब्लू ब्लू कलर की लग रखी हैं मस्त वाली। लेकिन दिवाली में ना एक चीज़ है कि बड़ी मस्त फीलिंग आती है लाइट वाइट देख के। होली से ज़्यादा मतलब मुझे दिवाली में देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे पटाखे टाके फोड़ने में कोई मज़ा नहीं आता है। बस अब छत में थोड़ी देर घूम लेते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे। कोशिश करूँगी इसको भी आज रात को ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि कोई कल से फिर नेट नहीं चलेगा मेरा। और अभी मेरी शक्ल कितनी अच्छी आ रही है, पीछे से मम्मी भी दिखनी है। और नीचे महक और वो खेल रहे हैं सुनीश का, जब भी वीडियो चलता है मैं हेलो जरूर करती हूँ। वो दोनों पता नहीं कहाँ रह गए। मैं उनको पैसे दे अर्ची, मैंने कहा क्या चला है दीदी का भाई चॉकलेट ले रहा थी चार, एक दो खाने के ची दुकान में लग गिनने आलू है आराम वाली बटाल खेत बैठे हो। ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है, कितना बड़ा बैग बना रखा है मैंने देखो, हो ही जाता है बैग, पता नहीं कैसा जाता है सामान। इसके कपड़े ज़्यादा होते हैं ना गर्मी, अब थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो देखो मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, ये मेरे टॉर्च का चार्जर है, तो मैं टॉर्च साथ में लेके जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने पास चीज़ होनी बहुत ज़रूरी होता है, तो हमेशा भूते तो ये टॉर्च ले जाऊँगी, क्योंकि मेरे बाबू भी कहते हैं कि टॉर्च अपने पास ही रखना। वहाँ पे भी मैं जैसे यहाँ पे भी मैं अपने सिराने पे टॉर्च रखती हूँ, कभी कभी फ़ोन का कोई भरोसा नहीं होता है। उसके बाद मैं रख रही हूँ अपना माइक, जो कि ये बिल्कुल रस्सी की तरह उलझ रखा है, ये तो मेरा कल भी काम आएगा। तो माइक अपनी चीज़ें मैं सारी रख लूँगी, अपना ट्राईपॉड नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरा जो सेल्फी स्टिक था उसको वो वहीं रह गया है। और अपनी वॉच का चार्जर हट, अपनी वॉच का चार्जर लेके जाऊँगी। तो बस अपने कपड़े रख दिए हैं मैंने थोड़े बहुत, अपने चप्पल रख रहे हैं। और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपने कल से माइके वाले ब्लॉग्स में। तो बाय गाइस, लव यू ऑल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो।